Subscribe and press the bell icon for latest update. सन 2014 में एक सरकार बड़ी तेज लहर के साथ सत्ता में आती है और तमाम वादे करके लोगों का दिल जीत लेती है। वो सरकार महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, काला धन के मुद्दे को लेकर सत्ता में आती है और तमाम हिंदुस्तान की जनता से वादा करती है कि वो इन तमाम वादों पर खरा उतरेगी, वो इन वादों का बखूबी ख्याल रखेगी, गरीबी को मिटाएगी, बेरोजगारी को कम करेगी, महंगाई को कम करेगी, किसानों की हालत अच्छी करेगी, उनकी आमदनी को दुगना करेगी, काला धन वापस लाएगी और इस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगी। ऐसे तमाम मुद्दे और जो बेहद ही खास विकास करेगी, देश का विकास करेगी। लेकिन जो इस पार्टी का नेतृत्व करते हैं, जिसने ये भाषण दिए, वो हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी। 2014 में उन्होंने एक से एक बढ़कर भाषण दिए, सत्ता में आने से पहले तमाम वादे जनता से किए, लेकिन उसका हाल क्या है, सभी वादों अभी पूरे हुए नहीं हुए, ये जनता बखूबी जानती है। लेकिन जिस जोर शोर से, जिन भाषणों से पीएम मोदी तमाम जनता का, या यूं कहें कि देश की 1 अरब 33 करोड़ जनता का दिल जीत लेते थे, वही भाषण आज ट्रॉल हो रहा है। जिस भाषणों के चलते वो विपक्षियों पर भारी पड़ते थे, यानी जो अपने भाषण में ऐसे बोलते थे कि मानो विपक्ष को जवाब देता नहीं बनता था, तो वो अपने एक भाषण देकर जरूर उन्हें दर्द हो रहा होगा। जी हां, जरूर उन्हें यह सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ये बयान दिया क्यों। वो बयान महज छोटा सा, लेकिन अगर उसके पीछे इतने सवाल है कि मानो सारा देश उनसे पूछने के लिए खड़ा हो गया है। वो सवाल है, एक इंटरव्यू में पीएम मोदी से रोजगार के मुद्दे को लेकर बात की, जिसमें पीएम मोदी ने साफ कहा कि अगर किसी दफ्तर के बाहर कोई व्यक्ति पकौड़े बेचता है तो क्या वो रोजगार नहीं है। जी हां, रोजगार तो जरूर है, लेकिन उस रोजगार का कोई फायदा नहीं है। उस रोजगार का फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि तमाम पढ़े लिखे युवा, डिग्री धारक युवा शायद वो काम नहीं करेंगे और वो पकौड़े तलने के लिए शायद पढ़े नहीं है। वो इसलिए पकौड़े नहीं तल सकते क्योंकि उन्होंने कुछ और बनने के लिए पढ़ाई की है। अगर उन्हें पकौड़े ही तलने होते तो शायद वो पढ़ाई नहीं करते। और रोजगार, वो बचपन से ही पकौड़े तलते और अब तक उन्हें बेरोजगार कहने की कोई आवश्यकता नहीं होती, रोजगार उन्हें बचपन से ही मिला होता अगर वो पकौड़े तलते। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि पीएम मोदी का बयान, उसकी आलोचना करने के बजाय उनके संगठन के तमाम नेता उनके पक्ष में खड़े होते नजर आए। जैसा कि अमित शाह ने कहा कि पकौड़े बेचने में कोई शर्म की बात नहीं है, पकौड़े बेचना भी एक रोजगार है। तो सवाल ये जनता को करना चाहिए कि फिर क्यों नेता वहां बैठे रहते हैं, नेता खुद आके पकौड़े क्यों नहीं तलते। ये तमाम ऐसे सवाल वहां की जनता जो कि पार्टी पर करती है, जो कि वहां की, और विपक्ष इस पर ज्यादा हावी हो रहा है और सबसे ज्यादा हावी इस देश के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो सत्ता में आने से पहले पीएम मोदी युवाओं को लेकर बहुत वादे करते थे, युवाओं को लेकर बीजेपी सरकार नारा देती थी कि युवाओं को ही आगे आना चाहिए, और इस देश के युवा जो कि खासकर पीएम मोदी के भाषणों से बेहद ही प्रभावित होते थे, तो कहीं ना कहीं वही युवा अब उनके भाषणों से ज्यादा नाराज होते दिख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा नहीं है तो हाल ही में, पहले मैं आपको वो पीएम मोदी का बयान दिखाता हूं जिसमें उन्होंने ये इंटरव्यू के दौरान कहा, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर ने भी युवाओं को कामचोर बताया। एक तरफ पीएम मोदी खुद युवाओं, बेरोजगारी के मुद्दे पर एक विवादित बयान देते हैं, उसके बाद
बीजेपी के सीएम ये बयान देते हैं कि युवा काम चोर है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आखिर इस पकौड़े के मुद्दे की शुरुआत हुई कहां से? तो कहां से इस पकौड़े ने एक मुद्दा पकड़ लिया और ये मुद्दा इतना छाया कि हर युवा इस पकौड़े को लेकर अपना विरोध जताने लगा। आखिर इसकी शुरुआत हुई कहां से? तो हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 का पहला इंटरव्यू दिया। हिंदी चैनल जी न्यूज को दिए इस खास इंटरव्यू में पीएम मोदी ने राजनीति, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय मसले और कूटनीति से लेकर रोजगार तक के मुद्दों पर बात की। उनसे जब एंकर सुधीर चौधरी ने सरकार द्वारा किए गए रोजगार के अवसर पैदा करने के वादे के मामले पर सवाल किया, तब पीएम मोदी ने पकौड़ा तलने का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अगर जी टीवी के बाहर कोई व्यक्ति पकौड़ा बेच रहा है तो क्या वह रोजगार होगा या नहीं। दरअसल एंकर ने श्रम मंत्रालय के आंकड़े पेश करते हुए सवाल किया था कि क्या सरकार नौकरियां पैदा करने की दिशा में सही रास्ते पर चल रही है या नहीं। रोजगार के आंकड़े पूछने पर पीएम मोदी के इस जवाब पर वह सोशल मीडिया में तेजी से ट्रॉल होते गए। तो वहीं आपको बताएं कि इसको लेकर आखिर रोजगार के मुद्दे को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर ने भी इसको लेकर एक बयान दिया। देश में इस समय बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है, बावजूद इसके सरकार की ओर से रोजगार की व्यवस्था तो नहीं हो रही, लेकिन युवाओं को गुस्सा दिलाने वाली बयानबाजी जरूर हो रही है। पहले हमने बताया पीएम मोदी ने बेरोजगारी पर सरकार की नाकामी स्वीकारने के बजाय पकौड़े बेचने वाले उदाहरण दिए, जिसके बचाव में खुद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने संसद में भाषण दिया। अब गोवा के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं को कामचोर करार दिया है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य विधानमंडल विभाग की ओर से किए जाने वाली राज्य युवा संसद में बेरोजगारी पर बात करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने कहा कि आजकल युवा कड़ी मेहनत करने से बचते हैं, यही वजह है कि वो लोअर डिवीजन क्लर्क की नौकरियों के लिए लंबी कतार लगी रहती है। परिकर ने युवाओं के नशे की लत लगने पर लड़कियों पर भी विवादित बयान देते हुए कहा कि मुझे डर लगने लगा है क्योंकि अब लड़कियों ने भी बियर पीना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि देश के युवा बेरोजगारी से त्रस्त है, बावजूद इसके पहले पीएम मोदी ने पकौड़े तलने वाले का उदाहरण दिया। हालांकि इसके विरोध के बावजूद सरकार रोजगार देने के बजाय पीएम मोदी के बयान के बचाव में उतर आई है। भाजपा अध्यक्ष ने संसद में भाषण देते हुए कहा कि पकौड़े बेचने में कोई शर्म की बात नहीं। हालांकि सरकार की इन हरकतों से नाराज बड़ी बड़ी डिग्रीधारी युवा पकौड़े की दुकान लगाकर सरकार का विरोध कर रहे हैं और पीएम मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। तो देखा आपने हमारी खास रिपोर्ट में, पहले आपने देखा होगा कि कैसे पीएम मोदी ने विवादित बयान दिया और उसके बाद आपने देखा होगा कि गोवा के सीएम मनोहर पारिकर ने किस तरह युवा को कामचोर बताया। लेकिन बताए ये सवाल उन तमाम देश के युवाओं पर है जो दिन रात मेहनत करके अपना विकास करना खुद जानते हैं, जो दिन रात मेहनत करके अपने भविष्य उज्जवल बनाने की कोशिश करते हैं, जो दिन भर जद्दोजहद में लगे रहते हैं ताकि हमारा भविष्य सुधर सके। लेकिन सवाल पूछना चाहिए उन तमाम युवाओं को जो कि बीजेपी सरकार सत्ता में आने से पहले ये वादा करती थी कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी और वो नौकरियां कहां हैं। अगर नौकरियां नहीं मिलेंगी तो मजबूरन युवाओं को, डिग्री धारक युवाओं को पकौड़े बेचना ही पड़ेगा। बात यही खत्म नहीं होती, अब मैं आपको एक और झटका देने वाला हूं इस खबर से जिसमें आपको पता चलेगा कि आखिर उनके पक्ष में कौन खड़ा हुआ है। एक और बयान हिला देने वाला आया है और वह है पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी का। देखिए ये बयान आखिर क्या है। पकौड़े पर राजनीति जारी, राज्यपाल आनंदी बेन बोली पकौड़े बनाने वाले बन सकते हैं होटल के मालिक। जी हां, आखिर खबर में है क्या, मैं आपको पूरा पढ़ के दिखाता हूं। पकौड़े पर अब भी राजनीति जारी है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक कार्यक्रम में कहा कि पकौड़े बनाना एक कला है और पकौड़े बनाने वाले ही आगे चलकर रेस्तरा खोलते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अडानी और अंबानी जैसे कारोबारी ने भी शुरुआत छोटे कारोबार से ही की थी। आनंदीबेन पटेल ने कहा कि सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, हमारा अनुभव है कि पकौड़े तलना भी कौशल विकास का एक हुनर है। इसमें शुरू के 2 साल में भले ही सफलता नहीं मिले लेकिन तीसरे साल वह एक रेस्टोरेंट का मालिक बन सकता है और आगे जाकर
होटल का मालिक बन सकता है। आनंदीबेन पटेल ने आगे कहा कि कोई काम छोटा नहीं है, छोटे छोटे काम करके ही देश के कई युवा उद्योगपति विदेशों तक पहुंच गए हैं। वो चाहे अंबानी हो या अदानी, मोदी ने रोजगार को लेकर एक टीवी चैनल को दी इंटरव्यू में पकौड़े तलने पर बयान दिया था। तब से विपक्ष पीएम मोदी और सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहा है। विपक्ष घेरे ना घेरे, लेकिन युवाओं ने जरूर हल्ला बोल दिया है। शायद इस बयान, इस सवाल का जवाब तमाम युवाओं को देना चाहिए जो कहती हैं कि शायद 2 सालों में कामयाबी ना मिले लेकिन 3रे साल में आप जरूर इस तरह के मालिक बन जाएंगे। तो उन्हें बताएं कि आप सड़कों पर उतरें और वहां पर देखें कि कितने ठेले वाले कितने सालों से पकौड़े बेच रहे हैं और आखिर उन्होंने कितने रेस्तरां खोल लिए हैं, ये उन्हें बताना चाहिए। या फिर नेताओं को बाहर आकर सड़कों पर जमीनी हकीकत जाननी चाहिए और उन्होंने देखना चाहिए कि कितने सालों से युवा जो अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक अभी भी वो वही है, पहले भी वो पकौड़े तलते थे और आज भी पकौड़े तल रहे हैं, आखिर उन्होंने, और उनसे पूछा जाए कि वो कितने रेस्तरां के मालिक हैं। तो बहरहाल ये सवाल शायद सरकार की नाकामियों को झलकाते हैं और ये सवाल उन युवाओं पर ज्यादा लाजमी होते हैं उठने जो कि सरकार को वोट देती है। जी हां, मैं आपको एक अहम बात और बता दूं कि अगर आप वोट देते हैं, केवल वोट देना ही भर नहीं होता, वोट किसको दे रहे हैं ये भी बहुत ही प्रभाव करता है। वोट जिसको आप वोट देते हैं वो अगले 5 सालों के लिए आपका विकास तय करते हैं, आपका समाज तय करते हैं। अगर आप वोट सोच समझकर नहीं देते तो आपका विकास भी रुक सकता है। अगर आप वोट ऐसी जनता को देते हैं जो पहले कुछ और बाद में कुछ और होती है तो ये मौका होता है कि अगली बार से वोट शायद हमें बदला जाए या उसके ऑप्शन में कुछ और रखा जाए, क्योंकि देखा जाए कि और सरकार से पूछना चाहिए जो सरकार सत्ता में आने से पहले तमाम वादे करती थी, आखिर उनके जवाबदेही बनती है, उन्हें जनता को बताना चाहिए कि वो कितने वादों को पूरा कर चुके हैं। बहरहाल पकौड़ा विवाद अभी थमा नहीं है और देखना चाहिए कि आखिर कितने युवा इस बयान से नाराज हैं, जगह जगह सड़कों पर पकौड़े तल रहे हैं और सरकार और जो ये बयान देते हैं उन्हें भी सड़कों पर आना चाहिए और तमाम पकौड़े वालों से पूछना चाहिए कि आखिर वो कितने रेस्तरां के मालिक हैं। तो बहरहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी खास मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।